जयपुर मंदिर की विश्व प्रसिद्ध ये मंदिर दिल्ली में स्थित है। लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी साउथ दिल्ली की पड़ती है और छतरपुर विधानसभा सीट की ये मुख्य आकर्षण है। लेकिन छतरपुर विधानसभा जो कि 2008 में बनी थी उसकी खास बात यह है कि यहाँ पर हैज भी है, हैव नॉट्स भी है, अमीर भी है, गरीब भी है। हमारे साथ यहाँ पर जनता छतरपुर की जुड़ी हुई है। यहाँ की डेवलपमेंट जितनी हुई है नहीं हुई है, खुश है या दुखी है? नहीं, वो हुई तो है लेकिन काफी नहीं हुई। और जब भी जैसे सीवर हमारे यहाँ नहीं है, सीवर नहीं है हमारे, इससे ये समस्याओं पे आएंगे हम। लेकिन आपको सीधे लिए चलते हैं, बीजेपी दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष सतीश उपाध्याय इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, सुनते क्या कहना है। ताज होटल मानसिंह एट द टॉप फ्लोर। मैं ऐसा करता हूं, निरंजन को या तो भेज देता हूं ऑफिस, निरंजन विल अकंपनी यू। देयर इज अ लंच विथ सम टॉप इन्वेस्टर्स, इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स, विच आई एम होस्टिंग एट ताज मानसिंह टॉप फ्लोर चेंबर। तो सभा एक कथा पर मुझे कुछ काम से इलेक्शन कमीशन जाना पड़ रहा है। चलिए आपको बता दें, हम उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सतीश उपाध्याय की आपको लेकर चलेंगे। लेकिन एक नए तरह का एड वॉर अब शुरू हो गया है। केजरीवाल के खिलाफ आज अखबारों में एक और एड निकला जिस पर केजरीवाल ने आपत्ति जताई क्योंकि उन्हें उपद्रवी गोत्र का बता दिया। सुनिए केजरीवाल ने क्या कुछ कहा, फिर चलेंगे सतीश उपाध्याय की पीसी पर। उन्होंने एड के जरिए मेरे बच्चों पर निशाना साधा, मैं चुप रहा। आज बीजेपी ने अखबारों में इश्तिहार निकाला है, इसमें तो इन्होंने हद कर दी है। उन्होंने पूरे अग्रवाल समाज को उपद्रवी बताया है। भाजपा की लड़ाई मुझसे हो सकती है, उन्हें जो कहना मेरे बारे में कहे, वो पूरे अग्रवाल समाज को उपद्रवी कैसे कह सकते हैं? ये तो बिल्कुल गलत है। भारतीय जनता पार्टी को पूरे अग्रवाल समाज से माफी मांगनी चाहिए और इसकी शिकायत हम इलेक्शन कमीशन से करेंगे क्योंकि बीजेपी अब जातिगत हमलों पे उतर आई है। उन्होंने एक जातिगत लाभ उठाने के लिए कंप्लीट वायलेशन ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट जिसकी बात हमने की है, जिसमें उन्होंने गोत्र का और जातिगत मुद्दा छेड़ा है। वास्तव में ये मुद्दा एक राजनीतिक लाभ को उठाने के लिए उनका जो राजनीतिक व्यवहार है, जो उनका अराजकता का डीएनए है, राजनीतिक संदर्भों में की गई बात को वो एक दूसरा ट्विस्ट देना चाहते हैं। हम इस बात पर कायम हैं, जिस प्रकार का उनका अराजकता का, अवसरवादिता का और झूठ का व्यवहार राजनीति में है, उस संदर्भ में कही गई बात है। इस पर पीयूष गोयल जी हमारे साथ हैं, वो अपनी टिप्पणी इस पर देंगे कि किस प्रकार के राजनीतिक व्यवहार और राजनीतिक गोत्र की बात का संदर्भ उन्होंने उठाया है। पीयूष गोयल जी, आई थिंक इट इज एक्सट्रीमली सैड दैट सर्टन पॉलिटिकल पार्टीज आर ट्राइंग टू कन्वर्ट अ पॉलिटिकल स्टेटमेंट एंड अ मैटर ऑफ फैक्ट विच वॉज यूज मेटाफोरिकली, विच वॉज यूज टू डिनोट द पॉलिटिकल पार्टीज आइडियोलॉजी which is one of anarchy, which is one of obstructionism, which is one of anti-national activities demonstrated by their actions in the last year and a half, has been sought to be converted on religious grounds. This is absolutely against the code of conduct. An effort has been made
by violation of the election code of conduct to convert a political statement into a religious or casteist statement in order to get political mileage. This is abhorrible. This is absolutely unacceptable to the Bharatiya Janata Party, which believes in the highest levels of political decency and which also believes in Sabka Saath, Sabka Vikas. According to us, the statement made about the Aam Aadmi Party's DNA, about the Aam Aadmi Party's political philosophy, about the Aam Aadmi Party's thinking, the Vaicharik Drishtikon of the Aam Aadmi Party, which is one of anarchy, which is one of obstructionism, ye jo Aam Aadmi Party ka वैचारिक और राजनीतिक सोच है, जिसके कई उदाहरण हमारे पास उपलब्ध हैं. वो कहते हैं कि गणतंत्र दिवस को भी वो डिसरप्ट कर देंगे, गणतंत्र दिवस में धरना बोल देंगे, बाटला हाउस शहीदों को शहादत का अपमान करना, जो जिस प्रकार से इंस्पेक्टर के ऊपर हमला होने वालों को इन्होंने ग्लोरीफाई किया, जिस प्रकार से जम्मू कश्मीर में रेफरेंडम की बात करते हैं, ये सभी जो एंटी नेशनल थिंकिंग है, जो विचारधारा है, सोच है, आम आदमी पार्टी की अराजकता है, उसके ऊपर करी गई राजनीतिक टिप्पणी जो मेटाफोरिकली यूज की गई. मेटाफोर का मतलब आप सभी अच्छी तरह भली भांति जानते हैं, इट इज अ फिगर ऑफ स्पीच. इट डज नॉट नेसेसरली से फॉर द पर्टिकुलर पर्पज वॉट वी आर ट्राइंग टू कन्वे, and it has been twisted and misused by the Aam Aadmi Party. We believe this is absolutely unacceptable, and it is a conspiracy of the Aam Aadmi Party to try and bring religious and casteist tones to an otherwise smooth election process. Thank you. नरेंद्र टंडन जी के आरोप पर क्या कहेंगे? थोड़े किरण बेदी पर बड़ा आरोप लगाया है. नहीं, मुझे लगता है कि इस पर कोई आरोप की बात नहीं. नरेंद्र एक हमारी चुनाव समिति में कुछ काम कर रहे हैं, और ये आरोप मुझे लगता नहीं कि इसका कोई मीनिंग नहीं है. और उनका जो उन्होंने इस्तीफा दिया है, उस इस्तीफे को हम एक्सेप्ट भी कर रहे हैं, इसमें कहीं कोई इस तरह की बात नहीं. और बहुत लोग काम करते हैं, उनके अपने डिफरेंसेस काम करने में होते हैं, इसको आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट देखने की जरूरत नहीं है. लेकिन जो बात पीयूष जी ने कहा है, तीनों बातें, अवसरवादिता, सफेद झूठ और अराजकता, ये जो राजनीतिक व्यवहार है, इस राजनीतिक व्यवहार के संदर्भ को हम पूरी तरह कायम हैं, और उसी राजनीतिक संदर्भों की बात हमने की है, जिसको और अभी हम इलेक्शन कमीशन में पीयूष गोयल जी के साथ इसकी जो वायलेशन ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट है, जिसको वो एक जातिगत दृष्टिकोण पर ले जाना चाहते हैं, क्योंकि कुछ ना कुछ मीडिया में करने के लिए उनको रोज एक एजेंडा सेट करना होता है, और उसी एजेंडे के तहत आज उन्होंने इस जातिगत विषय को उठाया है, और इसको अभी हम तुरंत इसके बाद इलेक्शन कमीशन में जाएंगे. वेल, आई थिंक इट इज वेरी ऑब्वियस, एंड उपद्रवी इज एन एनार्किस्ट. इफ यू गो इन टू द मीनिंग ऑफ उपद्रवी, एंड उपद्रवी इज अ ऑर्गेनाइजेशन विच इज एनार्किस्ट, एंड व्हेन वी हैव टू एक्सप्लेन दैट इन एन मेटाफोरिकल वे, when you say a sea of trouble, you don't literally talk about the sea, you talk of a sea of trouble. Metaphorically used statement in the political context of a party which is anarchist, obstructionist, has been sought to be twisted with a casteist element, and that mindset and the casteist mindset of that party is already been reflected in his earlier statements, where he has tried to appeal to a particular caste, traders, of people in the garb of traders. An appeal was sought to be made to try and identify the leader of that party with a set of traders. That is the mentality of that party, of its leadership. Our party believes in Sabka Saath, Sabka Vikas. India is one, all Indians are one. We do not ever divide Indian society on any caste lines. Well, I think I'll have to tell you the definition of metaphor, which will help you understand things better. A metaphor is a figure of speech
in which a word or phrase that ordinarily designates one thing is used to describe another, thus making an implicit comparison. It is only a comparison, it is not an explicit statement. I would urge you to go into Wikipedia, study what a metaphor is, and I'm sure the concerned person and his party also understand what is a political metaphor, how, in what context this was used, and how an effort is being made to convert a metaphor into caste and religious grounds, which is totally unacceptable. ये एड कैंपेन सिर्फ उस पार्टी की सच्चाई और असलियत को देश के सामने और जनता के सामने उजागर करता है। हमने कोई विवाद नहीं किया, हमने तो सच्चाई दिल्ली की जनता के सामने रखी है। वो उसको ट्विस्ट करके, अगर उनको इतना भी समझ नहीं है कि पॉलिटिकल मेटाफोर क्या होता है, तो उनकी प्रॉब्लम है। हमारे हिसाब से हम कोई गलत शब्द या कोई भी गलत हमने इल्जाम नहीं लगाया, क्योंकि वो तो स्वयं ही कहते हैं कि मैं अनार्किस्ट हूं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। तो अभी कुछ ही देर पहले सतीश उपाध्याय बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, पीयूष गोयल भी वहां पर मौजूद थे, और माफी नहीं मांगी गई है उस एड के लिए जो अरविंद केजरीवाल को आपत्तिजनक लगी, बल्कि अरविंद केजरीवाल पर पलटकर बीजेपी ने आरोप लगाया कि इसको एक कास्टिस्ट ट्विस्ट देने की कोशिश करें अरविंद केजरीवाल। जो जवाब होगा वो चुनाव आयोग को सौंपा जाएगा। तो बड़ी खबर है, मामला एक बार फिर से चुनाव आयोग की चौखट पर है। और अब एक बार फिर से, जहां अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि या तो अमित शाह या मोदी या किरण बेदी उस एड के लिए माफी मांगे, नहीं तो वो चुनाव आयोग जाएंगे, बीजेपी का कहना यह है कि मेटाफोर की तरह उन्होंने इस एड को इस्तेमाल किया, वो सिर्फ अराजकता अरविंद केजरीवाल की दर्शाना चाहते थे, इसे जातिगत ट्विस्ट नहीं देना चाहिए। हम इस वक्त छतरपुर की जनता के साथ यहां पर मौजूद है। छतरपुर की जनता, इस तरह की पोस्टर वॉर जिस तरह की चल रही है, क्या ये सही है? ये एड जो चल रही है सही है? दिल्ली की जनता के मुद्दों की बात होनी चाहिए या इस तरह की बात होनी चाहिए जाति के नाम पर? मुद्दे की बात होनी चाहिए। चलिए ठीक है, इस इलाके के भी अपने मुद्दे हैं और यहाँ की त्रासी है। यहाँ पर बड़े बड़े फार्म हाउसेज हैं, लेकिन साथ ही साथ बहुत बड़ा तबका है जो गांवों में रहता है, अनऑथराइज सेटलमेंट्स में है, जहाँ ड्रेनेज नहीं है, पानी नहीं है, बिजली नहीं है। इन मुद्दों की बात होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए इलाके? तो इन मुद्दों पर हम आएंगे, लेकिन हमारे साथ हमारे सहयोगी अरविंद चतुर्वेदी इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। अरविंद, जानना चाहेंगे आपसे कि बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस का मतलब ये निकाला जाए माफी मांगने के लिए तैयार नहीं है, उल्टे पलटवार कर दिया अरविंद केजरीवाल पर कि वो इसे जातिगत ट्विस्ट देने की कोशिश कर रहे हैं। तुम सही कहा अटल, आपने बीजेपी ने इसको एक ऐसा मुद्दा बताया। उनका ये कहना था, बीजेपी ने स्पष्ट रूप से कहा कि हम अरविंद केजरीवाल को बार बार कानून का उल्लंघन करने वाला बता रहे थे, उपद्रवी बता रहे थे, इसको उन्होंने अग्रवाल समाज से जोड़कर इसको ट्विस्ट देने का काम किया, हम इस बात की शिकायत करेंगे। और एक तरह से काउंटर वार शुरू हो गया अटल। एक तरफ आप देख रहे हो कि आम आदमी पार्टी की तरफ से आशुतोष इसमें इलेक्शन कमीशन में बैठे हैं, वहीं बीजेपी की तरफ से सतीश उपाध्याय और उनके जो नेता हैं वो इलेक्शन कमीशन जा रहे हैं इस बात की शिकायत करने। तो आप ये स्पष्ट समझ लीजिए कि इस बात को लेकर बीजेपी माफी मांगने नहीं जा रही है, बल्कि एक और अटैक करने जा रही है अरविंद केजरीवाल के ऊपर। एक और शिकायत करने जा रही है, लेकिन क्या इसका खामियाजा चुनाव में भुगतना पड़ेगा? पहले से ही जो बीजेपी का ट्रेडिशनल वोट बैंक है, बनिया कम्युनिटी है, ट्रेडर कम्युनिटी है, वो कंफ्यूज्ड है। क्या सेल्फ गोल बीजेपी कर चुकी है? बड़ा सवाल है, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद इस पर लौटेंगे। मौजूद है यहाँ पर, पूछते हैं कि दिल्ली में आते आते आपको लगता है कि राजनीति बहुत निम्न स्तर की हो गई है और ये सब बातें नहीं होनी चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अरविंद केजरीवाल जी ही दिल्ली के मुख्यमंत्री बनेंगे तभी जाकर दिल्ली सुधरेगी। बाकी सब ये सब देख लो, आप देख लो, ये सारे मंत्री लगे हुए बीजेपी के, एक अरविंद केजरीवाल के पीछे। एक अरविंद केजरीवाल काला धन 100 दिन में वापस आ रहा था, नहीं आता मन। सीवर के बारे में, सीवर जो देखो, और अभी 20 दिन पहले एक बंदा मरा गिर के, उसके बारे में सीवर का कोई नहीं है, अब कोई बरसात नहीं है, अब भी पानी भरता है जी। हमारा छतरपुर गांव जो है वो आदर्श गांव है, अभी 20 तारीख को यहां पर सीवर में कुछ भी नहीं है। पिछली 20 तारीख को एक बंदा नाले में गिरकर उसकी डेथ हो गई,
हाँ जी डेथ हो गई मैम, उसकी डेथ हो गई लड़के की, और उनको कोई भी हमारे यहाँ का काउंसलर एमएलए उनको मतलब नहीं देखने आया कि कैसे डेथ हुई है। उन्होंने सारे नाले सीवर की है समस्या है, रोड की है, बिजली इलेक्ट्रिसिटी इलाके के लिए बिजली पानी बहुत बड़ी समस्या है, और यही इलाके की त्रासदी है कि यहाँ पर बड़े बड़े फार्म हाउसेज हैं, बहुत लोग जनरेटर से इलेक्ट्रिसिटी लगातार लेते हैं, जो जनता है उसके लिए ना तो सड़क है, ना पानी है, ना बिजली है। इसी पर वोट करेंगे, इसी पर वोट करोगे? इन्हीं मुद्दों पर यहाँ की जनता वोट करने जा रही है। लेकिन ये भी दिलचस्प है कि चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, सबके कैंडिडेट्स उम्मीदवारों का सरनेम तंवर है, जो शायद कास्ट को ध्यान में रख के दिया गया है और उनको मैदान में उतारा गया। किसकी आवाज यहाँ पर एक लाइन में बोलिए, फिर क्लोज करेंगे। यहाँ की जनता का मूड अपने कंट्रोल हुआ है। 5 मिनट में फिलहाल।